नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की स्वग्रही स्थिति। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये ग्रहों के बारे में। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी अपनी राशि का स्वामी होता है। ये पहले भी आपसे बात हो चुकी है इन जनरल, जहाँ हमने राशियों की बात करी थी। आज हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो सिद्धांत रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई राशि स्वामी होता है। जैसे सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है, गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी होता है, शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी होता है, शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। ये तो इन जनरल जो स्थिति है ग्रहों की, स्वग्रह स्थिति के बारे में हमने आपसे बात करी। इसके अलावा एक और सिद्धांत यहाँ पर काम करता है जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर कंसीडर नहीं करते, तो उनको करना चाहिए, जिससे कि जितना आप इसको कंसीडर करते चले जाएंगे, सिद्धांतों को माइन्यूटली कंसीडर करते चले जाएंगे, उतना ही आपके प्रेडिक्शन एक्यूरेट होते चले जाएंगे। तो अगर आप इसको कंसीडर नहीं करते, प्रेडिक्शन तो तब भी होंगे लेकिन वो उतने माइन्यूटली नहीं हो पाएंगे जितने कि आप अगर पूरी तरह से सिद्धांत रूप में अगर चलते हैं तो आपके प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी की तरफ चलते चले जाएंगे। हमने जैसे सूर्य की बात करी, तो सूर्य सिंह राशि पर स्वग्रही स्थिति में होता है, या सिंह राशि सूर्य की स्वग्रही राशि है, लेकिन कितने अंश पर? 10 अंश पर। इट मीन्स कि सूर्य सिंह राशि में 10 अंश का अगर होगा तो वो जो स्थिति बनती है वो एक्यूरेट स्वग्रही वाली स्थिति बन जाती है सूर्य के लिए। सेकंड, चंद्रमा। चंद्रमा अगर कर्क राशि में 3 अंश का होता है तो ये एक्यूरेट स्वग्रही वाली स्थिति बन जाती है चंद्रमा के लिए। इसी प्रकार से मंगल मेष या वृश्चिक राशि में 28 अंश का होता है तो ये स्वग्रही स्थिति बन जाती है। बुध मिथुन और कन्या राशि में 15 अंश का होता है तो स्वग्रही स्थिति बन जाती है। गुरु धनु और मीन राशि में 5 अंश का होता है तो ये स्वग्रही स्थिति बन जाती है। शुक्र वृष और तुला राशि में 27 अंश का होता है तो स्वग्रही स्थिति बन जाती है। और इसी प्रकार से शनि अगर मकर और कुंभ राशि में 20 अंश का अगर होता है तो शनि की ये स्वग्रही स्थिति बन जाती है। अब देखिए, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन सातों ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। सातों ही ग्रह में ये जो राशियां हम बता रहे हैं ये इसकी स्वग्रही स्थिति है। इट मीन्स कि सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, ये एक बात हो गई। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, ये तो एक बात हो गई। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, ये एक बात हो गई। लेकिन स्वग्रही स्थिति में क्या होता है कि अगर सूर्य सिंह राशि पर ही बैठ जाए, चंद्रमा कर्क राशि पर ही बैठ जाए, मंगल मेष या वृश्चिक में से किसी राशि पर बैठ जाए, बुध मिथुन या कन्या राशि में से किसी पर बैठ जाए, या गुरु धनु या मीन राशि में से किसी पर बैठता है, इसी प्रकार से शुक्र वृष या तुला में से किसी राशि पर बैठता है, और शनि मकर या कुंभ राशि में से किसी पर बैठता है, तो ये जो स्थिति होती है इस पोजीशन में, एक लिटरेचर का शब्द होता है जो हम अक्सर प्रयोग करते हैं या हर एस्ट्रोलॉजर प्रयोग करता है, कि पर्टिकुलर ग्रह अपनी स्वराशि में स्थित है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है, हमें इसमें ये भी कंसीडर करना है कि सूर्य अगर सिंह राशि पर स्थित है तो उसके अंश कितने हैं सूर्य के। हमने पहले आपको बताया है कि प्रत्येक ग्रह के अपने अंश भी होते हैं। अगर आप पिछले एपिसोड देखेंगे और सिद्धांत, जब हमने इन जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी थी तब हमने आपको बताया था कि प्रत्येक ग्रह के एक पर्टिकुलर अंश होते हैं। इसी प्रकार से जैसे सूर्य है 10 अंश का है सिंह राशि में, तो ये जो स्थिति हो गई ना, ये स्वग्रही स्थिति हो गई। कर्क 3 अंश पे है तो ये स्वग्रही स्थिति हो गई। कुछ एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, या मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, कि अगर अपने इनके स्वग्रही स्थिति देखनी होती है तो अगर सिंह राशि पे सूर्य है, या मान लीजिए कि तुला राशि पे शुक्र है, या कुंभ राशि पे शनि है, तो वो इसको प्रिडिक्शन जब करते हैं तो एक्यूरेट उसी स्थिति में कर देते हैं कि ये स्वग्रही स्थिति में है तो ये फल होगा। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना होता है कि ये कितने अंश पर है,
ये जितने अंश पर होगा वो जो स्थिति होगी वो स्वग्रही स्थिति होगी। अब मान लीजिए कभी स्थिति ऐसी भी होती है कि मान लीजिए हमने सूर्य की बात करी, 10 अंश पे होता है लेकिन यहाँ 10 अंश पे नहीं है, वो 8 अंश पे ही है या वो 12 अंश पे है या 15 अंश पे है, तो 10 अंश के ऊपर या नीचे वो जितना शिफ्ट होता चला जाएगा। मान लीजिए 10 अंश की जगह 8 अंश पे है तो थोड़ी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ये तो मैक्सिमम पोजिशन हो गई 10 अंश वाली, ये तो एक आइडियल पोजिशन हो गई कि उस स्थिति में सूर्य स्वग्रही का अपना असर करेगा या कोई भी पर्टिकुलर ग्रह अपनी स्वग्रही स्थिति का फल देगा। लेकिन अगर इससे जो भी ऊपर या नीचे वाली स्थिति होती है, अप जाए या डाउन जाए, या 10 अंश से 12 अंश, 15 अंश, 18 अंश, अब मान लीजिए कोई ऐसी भी स्थिति होती है जैसे चंद्रमा की हम बात करते हैं, 3 अंश पे ये स्वग्रही स्थिति में आता है, लेकिन अब इसके 28 अंश हुए, चंद्रमा कर्क राशि पे 28 अंश पर बैठा हुआ है, तो ये बहुत दूर हो गया। इट मीन्स कि वो अब कर्क राशि का नहीं, वो सिंह राशि का फल देने की तरफ अग्रसर हो रहा है, ठीक है ना। अगर उस कंडीशन में अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि स्वग्रही स्थिति में चंद्र का आपने फल अगर कह दिया है तो वो एक्यूरेसी की तरफ नहीं जाएगा, वो आपके प्रेडिक्शन गलत होंगे। तो इसलिए हम जो बार बार बात कर रहे हैं, हमारे जो सिद्धांत देने का उद्देश्य है या सिद्धांत में मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड करने का जो उद्देश्य है, वो आपको पूरी तरह से सिद्धांतों के प्रति आपको सजग बनाना है, आपको तैयार करना है, क्योंकि ये सिद्धांत नींव हैं, आप सीख तो तब भी लेंगे। अब मान लीजिए कि किसी ने बता दिया आपको एस्ट्रोलॉजर ने कि सूर्य सिंह राशि पे स्वग्रही होता है, तो इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा, 10 अंश पर होता है ये कहना पर्याप्त होगा। तो ये जितना अप या डाउन जाता है उसी के हिसाब से फल में वृद्धि या कमी होती चली जाती है। वृद्धि तो क्या, वृद्धि तो एक्यूरेसी वही स्थिति हो गई कि कर्क राशि पर चंद्रमा 3 अंश का हो, या मंगल 28 अंश का हो, या बुध 15 अंश का हो, या शुक्र 27 अंश का हो, ये तो एक स्थिति हो गई। लेकिन उसके अलावा भी जो सेकंड जो पोजीशन आती है वो ये आती है कि मान लीजिए कि शुक्र 27 अंश का ना हो कि 7 अंश पर अगर है, तो इसके तो फल में बहुत अंतर आ जाएगा ना। अब मान लीजिए शुक्र की हमने बात करी, शुक्र वृष राशि पे तुला राशि का स्वामी तो होता है, और इस राशि में अगर पड़ जाता है स्वग्रही स्थिति भी हो गई, लेकिन यह 27 अंश जो दिया हुआ है, ये 27 की जगह अगर ये 7 अंश होता है तो फल में बहुत अंतर आ गया ना, तो वो स्वग्रही वाली स्थिति नहीं बनेगी। स्वग्रही का फल क्या होता है, एक पॉजिटिव फल होता है। पॉजिटिव फल होता है, एक सरल सा सिद्धांत ये होता है कि कोई भी ग्रह अपने स्वग्रही अपने ही भाव में बैठ के कभी अपने भाव को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, उसका सुरक्षा करता है, उसको डिफेंस करता है। लेकिन वो तभी कर पाएगा ना जब उसमें अपनी पावर होगी, वो उस क्षेत्र में होगा। जैसे 27 अंश पे अगर शुक्र है, या शनि की हम बात करते हैं, शनि मकर या कुंभ राशि पे 20 अंश का है, लेकिन अगर स्वग्रही स्थिति हो गई है तो, लेकिन जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें केवल 2 अंश का ही होता है, तो ये तो 18 अंश का अंतर हो गया ना, तो वो सुरक्षा कैसे प्रदान कर पाएगा, उसको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाएगा, क्योंकि वो तो 2 अंश का है। मान लीजिए मकर राशि में है तो इट मीन्स कि वो धनु राशि का फल दे रहा है, इससे जस्ट पहले वाली, वो उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो मकर राशि को पूरा कवर अप कर ही नहीं पा रहा है। अब दूसरी स्थिति एक और समझिए, एक और बहुत अच्छा सिद्धांत आपको हम बताते हैं इसी में। कोई भी अंश 30 अंश का होता है तो उसकी जो अपनी क्षमता है, जो उसकी अपनी सर्किल है, या उसकी अपनी सीमा रेखा है, वो सीमा रेखा उसकी 30 अंश तक है। अगर शनि मकर राशि में 2 अंश का है तो मकर राशि में अगर वक्री नहीं है, वक्री की स्थिति और समझिए, वक्री क्या होता है, वक्री का मतलब बैक, रिवर्स जाना। इट मीन्स कि अगर वो वक्री होता, वक्री एक और स्थिति होती है, इसका भी हम चैप्टर अलग से लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी विषय चल रहा है या सब्जेक्ट चल रहा है या टॉपिक है, तो एक वक्री स्थिति भी हम बताएंगे आपको, बताते हैं कि मान लीजिए कि शनि मकर राशि में वक्री हो रहा है, तो वक्री मतलब रिवर्स अगर जा रहा है तो इट मीन्स वो धनु की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ बैक मार रहा है, बैक की तरफ जा रहा है, उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चल रहा है तो मकर के बाद कुंभ राशि आती है, लेकिन कुंभ की तरफ नहीं जा रहा है, वो धनु की तरफ जा रहा है। तो 2 अंश में जो वो कवर अप करेगा वो
दो अंश मकर से धनु की तरफ करेगा, तो दो अंश तो मकर के और 28 अंश धनु राशि के, इसको कवर अप करेगा। अब मान लीजिए नॉर्मल स्थिति में ये वक्री नहीं है, तो वक्री अगर नहीं है तो 20 अंश पे अगर ये स्वग्रही होता है और ये दो अंश पर है, तो आप ये मानिए कि ये जो इसको प्रोटेक्ट कर सकता है ये मैक्सिमम 30 अंश तक का कर सकता है। लेकिन जब ये दो अंश पर है तो 28 अंश तो मकर राशि राशि के और दो अंश कुंभ राशि के, इतना ये कवर अप कर लेगा। लेकिन एक आइडियल जो पोजीशन होती है, जो ग्रंथों में बताई गई है, या जो एक अच्छा वर्क करने वाली पोजीशन है, अगर शनि मकर राशि पे 20 अंश का अगर बैठा होगा तो ये पूरे भाव को, मकर राशि को पूरा कवर अप कर लेगा, तो ये स्वग्रही स्थिति होगी, ये इसका पूर्ण फल देगा। इसी प्रकार से शुक्र अगर 27 अंश का वृष या तुला राशि में होगा ना, तभी ये इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा, तभी ये स्वग्रही का फल दे पाएगा, अदरवाइज ये नहीं दे पाएगा। इसलिए इसी प्रकार से गुरु की जो स्थिति है वो 5 अंश का होगा तब ये दे पाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब ये अपने पर्टिकुलर अंश पर होते हैं तो ये इसको बल प्रदान करते हैं। तो ये जब भी आप स्वग्रही स्थिति को, तो आपने समझ लिया है, आपको पहले भी याद होगा क्योंकि चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसमें अंश को भी आपको कंसीडर करना है। सूर्य के 10 अंश है, चंद्रमा के 3 अंश है, मंगल के 28 अंश है, बुध के 15 अंश है, गुरु के 5 अंश है, शुक्र के 27 अंश है और शनि के 20 अंश है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसको कंसीडर करना है। हमने बात करी है इस समय स्वग्रही स्थिति की, ये मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि बिना स्वग्रही स्थिति के तो आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी ही नहीं, इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं ये सारे, ठीक है। तो आज हमने बात करी स्वग्रही स्थिति की। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ग्रहों की उच्च अवस्था और नीच अवस्था की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।